स्पर्श भाग दो से, पाठ नंबर थर्ड है तंतारा वामिरो कथा। तो इस कथा का उद्देश्य क्या है? एक कथा एक द्वीप समूह के छोटे से द्वीप पर केंद्रित है और इसे लिखा है लीलाधर मंडलोई ने। यह द्वीप में विद्वेष घेरी जड़े जमा चुका था। एक विद्वेष जो है वो क्या कर चुका था? गहरी जड़े जमा चुका था, मीन्स अंधश्रद्धा परंपरा रूढ़ियाँ चलती आती थी। उस विद्वेष को जड़ से उखाड़ने के लिए, मूल से जड़ से उखाड़ने के लिए एक युगल मीन्स एक युवक को आत्म बलिदान देना पड़ा है। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ पर लेखक ने बताई है। कहते हैं ना, प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? हम इनकार नहीं कर सकते। इसीलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसे बलिदान को उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि वह तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम कर सकता है। और आज भी वो कहानी लोक कथा उधर प्रचलित है। तो यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह का अंतिम आखिरी दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। तो यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह है, उसका नाम क्या है? अंडमान द्वीप समूह। द्वीप समूह मीन्स क्या अर्थ है उसका, तो आपको पहले देखना है। द्वीप समूह द्वीपों का समूह, द्वीप। समुद्री टापुओं का समूह। तो दक्षिणी, दक्षिणी मीन्स दाहिनी तरफ। और जो यह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और उससे लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर तंतारा वामिरो कथा लिखा है लीलाधर मंडलोई ने और वो कहते हैं सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। दो द्वीप थे, कौन कौन से? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। और वहाँ पर एक छोटा सा सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। और वहाँ पर क्या करता था? एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तंतारा। निकोबार उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। यहाँ पर लोक कथा बताई है, तो लोक कथा का अर्थ क्या है? तो लोगों के द्वारा कही गई कथा, लोगों से लोगों के बीच प्रचलित कहानी। तो ये लोक कथा है किसके बारे में? एक तंतारा और वामिरो के बारे में है। तो यहाँ पर बताया आपको, निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त अलग अलग होने की एक लोक कथा है। एक क्यों अलग अलग हुए उसकी एक लोक कथा है। लोगों के द्वारा कही गई प्रचलित कहानी जो आज भी दोहराई जाती है। तो कौन कौन से दोनों द्वीप थे? तो एक था लिटिल अंडमान और दूसरा था कार निकोबार। ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और वहाँ पर एक सुंदर सा गांव था और उस सुंदर से गांव में एक शक्तिशाली और सुंदर युवक रहा करता था, उसका नाम था तंतारा। निकोबारी है वहाँ के जो रहवासी है वो क्या करते थे? उसे बहुत प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। और वो कैसा इंसान था? बहुत ही नेक और मददगार व्यक्ति था। सबकी सेवा करना अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था।
सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते थे और वह भागा भागा वहां जाता था। दूसरे गांवों के भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। बस अपने गांव में ही वो प्रसिद्ध नहीं था, अपने गांव वालों की ही वो मदद नहीं करता था, तो दूसरे गांव वासियों को भी वो क्या करता था, मदद करता था। और किसी को भी उसकी ज़रूरत पड़ती तो भागा भागा वहाँ पर वो पहुँच जाता था। दूसरे गाँव में भी पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। देखो कितना वो सबको मदद करता था, इसलिए लोग क्या करते थे, कोई पर्व हो त्यौहार हो तो उसको आमंत्रित करते थे। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। वो दिखने में भी अच्छा था, लेकिन उसका जो स्वभाव था, आत्मीय स्वभाव था, वो भी अच्छा था, इसलिए सब लोग उसको चाहते थे, उसके पास में रहना पसंद करते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। वो क्या करता था, एक लकड़ी की तलवार अपने इसमें कमर में बांध के रखता था। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी। लोग मानते थे कि वो लकड़ी की तलवार है, लेकिन उसमें एक अद्भुत दैवीय शक्ति है। तंतारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, और लोगों ने देखा था, जब भी वो कहीं जाता था तो तलवार को अपने से अलग नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी न करता, किंतु उसे के चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। देखो कैसे ततारा का वर्णन किया है यहाँ पर लेखक ने, कि वो क्या था, सबकी मदद करता था, है ना, गांव वालों की नहीं अपितु दूसरे गांव के भी लोगों की वो क्या करता था, मदद करता था। और उसका आत्मीय स्वभाव अच्छा होने के कारण लोग उसके साथ रहना, उसके करीब रहना पसंद करते थे। गांव के ही लोग नहीं, दूसरे गांव के भी लोग उसको पर्व त्योहारों में उसको बुलाते थे, और वो सबका क्या करता था, आदर करता था, और लोग भी उसको क्या करते थे, बहुत इज्जत देते थे। और उसके पास एक तलवार थी, और वो तलवार भी कैसी थी, एक उसमें लोगों का मानना था कि उसमें एक अद्भुत दैवीय शक्ति है, क्योंकि लोगों ने कभी उसको उसके उससे वो तलवार अलग नहीं देखी थी, वो हमेशा अपने कमर में बांधकर उस तलवार को रखता था। और उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित प्रसिद्ध मशहूर था, सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। ये भी पढ़ा आपने। दूसरे गांव में भी वह पर्व त्योहार के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव, अपना स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। और उसके पास जो तलवार थी, वो लोगों का मानना था वो तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है, तो उसमें क्या है, एक अद्भुत शक्ति है, दैवीय शक्ति है। और वो किसी के सामने उस तलवार का प्रयोग नहीं करता था, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। और जो वो साहसिक कारनामे करता था, साहसी पूर्ण जो कार्य करता था, उसके पीछे वो क्या मानते थे, लोगों का मानना था उसके पीछे क्या है, कुछ ना कुछ कारण है, तो क्या है, उसकी तलवार, इसकी तलवार में कुछ अद्भुत शक्ति है, तभी तो ये क्या कर सकता है, इतने साहसिक कारनामे कर सकता है। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। रहस्य मीन्स उसमें कुछ ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला राज था उसमें, जो कोई ना जानता है। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र से ठंडी बयारे आ रही थी। यहाँ पर अथक मिस कठोर परिश्रम के बाद वो क्या हो गया था, समुद्र किनारे टहलने के लिए निकल पड़ा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज, क्षितिज मिस जहाँ पर हमें दिखता है ना, कि जैसे जब धरती और आसमान क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसे प्रतीत होता है उस
वो क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। समुद्र से ठंडी बयारी, बयारी में हवा आ रही थी। गायन इतना प्रभावित था कि वह अपनी सुध बुध इतने में उसने क्या किया, एक सुंदर सा आवाज, एक मीठी मीठा सा स्वर उसके कानों में आ पहुंचा। वहां पर पहुंचा था पूरे दिन भर की थकान मिटाने के लिए। वो कहां पहुंचा था, समुद्र किनारे। समुद्र, सूर्य समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने के था, शाम का समय था। समुद्र से क्या हो रही थी, ठंडी बयारी आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे क्षणे क्षणे क्षीण होने जा रही थी। उसका मन शांत था और वो पूरा क्या था, शांत था। विचारमग्न तथारा बालू पर बैठकर सूरज को अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। और शाम का समय था, सूरज की किरणें कहाँ पर आ रही थी, समुद्र पर आ रही थी, और वो उसको निहारने के लिए उधर बैठ गया था। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी, गायन सुनाई दिया, गीत सुनाई दिया। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। और गीत कैसा था, ऐसे बहता हुआ, समुद्र के किनारे पे बैठा हुआ था और जैसे वो गीत ऐसे लग रहा था धीरे धीरे बहता हुआ उसी के पास आ रहा था। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता, लहरों की भी आवाज़ आ रही थी। गायन इतना प्रभावित था कि वह अपनी सुध बुध खोने लगा और पूरे दिन भर के अथक परिश्रम के बाद वो कहाँ बैठा था, समुद्र के किनारे बैठा था। वहाँ का वातावरण भी पूरा शांत था, ठंडी बयारी थी, और वो किसका मजा ले रहा था, जैसे सूरज डूबने का समय था और वो जो किरणें हैं वो कहाँ पर पड़ी थी, समुद्र में, पूरी किरणें समुद्र पर बिखरी हुई थी और वो उसको क्या कर रहा था, निहार रहा था। इतने में उसको एक सुंदर मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया और वो ऐसे धीरे धीरे उसको आवाज़ उसके कान तक पहुंच गई। और गीत गायन इतना प्रभावित था कि वह अपनी सुध बुध खो बैठा। उसको होश ही नहीं रहा कि इतना सुंदर गाना कौन गा रहा है, ये सुनकर वो अपनी होश आवाज़ सुध बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी। तंद्रा मिस जो क्या हो गया था, मग्न हो गया था, नींद आने से पहले जो अवस्था होती है वैसे। और एक लहरों ने क्या की, प्रबल वेग से उसकी तंद्रा भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा, जिधर से अभी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल्प सा उस तरफ बढ़ता बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुद एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। वह एक श्रृंगार गीत था और वो क्या करने लगा, उसका पीछा करने लगा। उसकी जो सुध बुध खो गया था, एक जोर से लहरें आई, जोर से लहरों के आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हो गई और वो चैतन्य में जागरूक सा हो गया और वो इधर उधर देखने लगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ता गया तब उसने क्या देखा, एक सुंदर युवती क्या कर रही है, बेसुध एकटक समुद्र के देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए वो क्या कर रही थी, वो गाना गा रही थी। वह एक श्रृंगार गीत था और वो क्या था, एक श्रृंगार गीत था। जो महिला, जो लड़की थी वो गा रही थी और वो भी किसको देखकर गा रही थी, वो भी उस जो प्रकृति का सौंदर्य है उसको देखकर वो क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। और वो इतना मधुर था कि जो तंतारा है वो पूरा अपनी सुध बुध खो गया था। सुध बुध खोना मुहावरा है, होश आवाज खो देना, तंद्रा एकाग्रता, भंगमिस तोड़ना, चैतन्य चेतना में आना, जागरूक होना। और वो क्या हो गया, एक जोर से लहर आई और उसने उसको तंद्रा से वो मुक्त हो गया, एकाग्रता उसकी भंग हो गई और फिर उसने उस ओर जा रहा था जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। और उसने देखा वो आवाज़ किसकी थी, एक सुंदर सी युवती वहाँ पर खड़ी
की प्रकृति का वो सौंदर्य निहार रही थी और एक श्रृंगार गीत गा रही थी। वो विकल सा उस तरह बढ़ता गया। अंततः उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। एक श्रृंगार गीत था। लेखक कह रहे वो लड़की क्या थी, जो युवती जो गा रही थी जिसे कोई खबर ना थी, वो भी बेसुध थी, और वो क्या कर रही थी, एक श्रृंगार गीत, सौंदर्य भरा गीत क्या कर रही थी, वो गा रही थी। वहाँ पर अभी कौन पहुँचा है, ततारा पहुँचा है, किसके पास, युवती के पास, और वो पूछता है उसको, और उसने देखा, उसे ज्ञात ही नहीं था कि एक अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। एकाएक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई, वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? देखो अभी वहां पर कौन पहुंचा है, तंतारा पहुंचा है, और वो पूछता है कि तूने इतना सुंदर मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया। ततारा ने विनम्रतापूर्वक पूछा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई, और उसने क्या देखा, एक सुंदर सा युवक देखा, और वो क्या हो गई, विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। अभी ततारा उसके पास पहुंचा और उसने बोला कि तुम कितना सुंदर गा रही हो, अचानक तूने ये गाना क्यों बंद कर दिया? और उस युवती ने भी उसको देखा और वो भी क्या हो गई, विस्मित, मिस हैरान सी हो गई। यहाँ पर विनम्रतापूर्वक नरमी से विस्मित, हैरान, संचार, आना, प्रवेश करना, संयत, संयमित, काबू, बेरुखी, रूखापन से उसने रूखापन दिखाया, और वो कहने लगी, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, तुम यह भी जानते हो। वो कहती है, आपको पता है ना आप कहाँ से आए हो, और मैं अपने गांव के अलावा दूसरे गांव के युवक का प्रश्न का उत्तर देना बाध्य नहीं हूँ, मजबूर हूँ, मैं उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं, मैं उत्तर नहीं दे सकती। यहां पर देखो, पहले बताओ तुम कौन हो, इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत मिस अनुचित प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी गांव के युवक को प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य विवश नहीं, यह तुम भी जानते हो, तुम्हें भी पता है गांव का क्या रूल है, कैसे नियम है। ततारा मानो सुदबुद होश हवास खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। ततारा जो वामीरो बोल रही थी उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं था, वह सुदबुद खो बैठा था उसकी मधुर गीत से, और वो बार बार कह रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, गीत पूरा करो, सचमुच तुम्हारी आवाज़ कितनी मीठी है, कितनी सुंदर, कितना सुंदर सुरीला कंठ तूने पाया है। ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो, लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित हो चुका था, मुग्ध किया गया था, हुआ था, सम्मोहित में मुग्ध हो गया था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनः विनय प्रार्थना की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ। देखो ततारा ने एक ही रेड लगाई थी, जो युवती बोल रही थी वो बोल रही थी, आप तो हमारे गांव के नहीं हो, कहाँ से आए हो,
और मुझे ये असंगत प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हो? फिर भी ततारा के कान में वो शब्द नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो पूरा सम्मोहित हो गया था। उसने शुद्ध बुद्ध खो चुका था और वो फिर से वही दोहराने लगा कि तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, फिर से वो गाना गा दो ना। युवती झुंझला उठी, वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कई शब्दों में कहा, कड़े शब्दों में कहा, दृढ़ता की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? सभी को एक नियम था उस गांव में, तो उसको याद दिला रही थी। दृढ़ता में दुस्साहस, कितना दुस्साहस की हद आप पार कर रहे हो। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम एक ही राग क्या कर रहे हो, अलाप रहे हो। मिस एक बात को बार बार कहना, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? तुम्हें गांव के नियम पता नहीं है? वो पूछ रही है किसको? ततारा को। इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा ने को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उससे सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। देखो, जैसे ही वो मुड़कर जाने लगी तब उसको होश आया और वो उसके बोलता है, उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है, उसका रास्ता रोकता है। तो इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।